टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर सबसे बड़ा खुलासा। महागुरु गौरव मित्तल का बड़ा दावा। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती जाएंगी जेल। भविष्यवाणी को लेकर जाने जाते हैं महागुरु गौरव मित्तल। प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष हमारे साथ मौजूद हैं, महागुरु गौरव मित्तल जी इस समय। उनसे पता करते हैं कि आखिर, क्योंकि उनकी भविष्यवाणियों को लेकर के लगातार चर्चाएं होती हैं, आज हम उनसे बात करेंगे। इस समय का सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है इस समय, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का। गुरु जी, पहले तो टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहले गुरु जी, मैं जानना चाहता हूँ कि भविष्यवाणी क्या कहती है। सुशांत सिंह राजपूत का जो मुद्दा इस समय लगातार चल रहा है, मीडिया उस मुद्दे को उठा रहा है, तो इस पे आपकी जो भविष्यवाणी वो क्या है, क्या आत्महत्या थी या हत्या की गई थी? देखिए, मैंने 14 जून और 18 जून को अपने फेसबुक पेज पे जो लिखा था कि नेपोटिज्म, जहाँ से ये बात शुरुआत हुई थी, उस समय एक नया बजवर्ड आया था, तो नेपोटिज्म जब तक किसी को पता भी नहीं था कि है क्या। यस, उस इंडस्ट्री के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर नेपोटिज्म से शुरुआत हुई, बट जो शुरुआत होने के बाद जो डिप्रेशन आना शुरू हुआ, जिसकी वजह से सुशांत ने नारकोटिक्स वगैरह कुछ लेनी शुरू करी, रिया उसके यहाँ पे साथ में रहती थी, बट रिया को जो लव अफेयर का था रीज़न था, वो धीरे 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 फेल होना शुरू हुआ। तो जो सुशांत ने मेरे हिसाब से आत्महत्या करी है, बट द सेम टाइम उसका जो मेन एक रीज़न रहा है फेल्ड लव लाइफ एंड पूर्ण सपोर्ट फ्रॉम रिया, वो एक मेन रीज़न रहा था। ये मैंने 14 तारीख और 18 तारीख को अपने प्रेडिक्शन में भी बोला था। अगर आप देखेंगे, रिया मीडिया की न्यूज़ में मुश्किल से एक महीना पहले से आई, जून में जिस समय उन्होंने आत्महत्या की थी सुशांत ने, जून में, जुलाई अगस्त तक, जुलाई तक लास्ट में रिया वॉज नॉट इन द पिक्चर एट ऑल। अभी है क्या रिया के सितारे, जब से उसका नंबर 2 एज नंबर चेंज हुआ है, तब से गर्दिश में आ चुके हैं। CBI जांच के दौरान और जो हमारे फिनेंशियल बॉडीज़ हैं उनके जांच के दौरान ये डेफिनेटली पिक्चर में आएंगे, और नवंबर के आसपास इनके जेल जाने के योग आते हैं। बट वो जेल जाने के जो योग हैं वो बहुत लंबे टाइम के नहीं हैं, वो छोटे टाइम के लिए हैं, बट डेफिनेटली सी विल हैव टू गो टू जेल फॉर सम टाइम। ये आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं गुरु जी कि रिया चक्रवर्ती जेल जा सकती हैं। ये दावा मैं सितारों के उसकी जन्मपत्री देखने के बात कर रहा हूँ, और उनकी जन्मपत्री, अगर आप एक चीज़ और भी देखेंगे, जब से उनका अभी जब बर्थडे गया है, जिस दिन से उनका नेम नंबर चेंज हुआ है 2 पे, जब तक उनका नेम नंबर 1 पे था तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, बट जैसे ही उनका नेम नंबर 2 पे चेंज हुआ, मून से ग्रसित हुई, उस समय से उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, और नवंबर के आसपास ये योग उनके जो दोष हैं कुंडली के अंदर वो प्रबल हो जाते हैं, और ये इस लेवल के हो जाते हैं कि ये इनको जेल भेजने के योग दिखाई देंगे। तो रिया चक्रवर्ती के अलावा और भी कोई इसमें, और लोग, क्योंकि लगातार और भी लोगों की चर्चाएं इसमें चल रही हैं, उनमें से भी कोई किसी के जेल जाने की? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो सबकी जन्म पत्री के लिए टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ सबका मिलना ज़रूरी है, तो जो जो इम्पोर्टेंट पीपल हैं, जो जिन पे इस समय शिकंजा कसा जा रहा है, यदि उनके हमारे पास टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ मिल जाएंगे तब हम उनके बारे में बता पाएंगे। गुरु जी, सोशल मीडिया पर आपने ये दावा तो कर दिया कि रिया चक्रवर्ती जेल जाएंगी, लेकिन क्या वो गलती हैं इसमें सुशांत के, उसमें कितना शामिल है, क्या लगता है सितारे देख करके आपको? देखिए, गिल्टी डेफिनेटली गिल्टी हैं, बिकॉज जब तक उनकी लाइफ का अच्छा टाइम था सुशांत की, वो उनके साथ थे। जैसे ही उनकी लाइफ का टाइम ख़राब आना शुरू हुआ, डिप्रेशन से ग्रसित होने शुरू हुए सुशांत, उन्होंने ये ड्रग्स लेनी शुरू करी, उस समय उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया, और जो ये टोटल किस्सा है, उनको ये महसूस होने लगा कि कैरियर वाइज प्लस मैं लव लाइफ दोनों में फेल होता जा रहा हूँ, जब दोनों में फेल होता जा रहा हूँ तो उनका जो डिप्रेशन का लेवल है वो बढ़ना शुरू हुआ, एंड इट केम टू सुसाइड। और भी चीज़ें कि यस, उस समय तक, जब समय तक उनके पास पैसे थे और पैसे का ट्रांजेक्शन उनके हाथ में कंट्रोल था, तब तक उन्होंने उस चीज़ को यूटिलाइज़ किया, बट जब पैसे का कंट्रोल धीरे धीरे चला गया, सुशांत के साथ में रिलेशनशिप में अनबन होनी शुरू हुई, उन्होंने उनको छोड़ दिया, तो ये क्रिमिनल ब्रीच
डेफिनेटली क्रिमिनल एक ग्राउंड है जो उनको जेल भेजने के लिए साबित होगा। और प्लस जो फंड्स हैं उनका जो इररेगुलर मैनेजमेंट जो शो किया जा रहा है जिसमें ईडी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, वो चीज़ें पिक्चर में आएंगी एंड शी विल बी जेल्ड। एक बात बताएं गुरुजी, लगातार इस मामले को, क्योंकि अब ये मामला कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि बिहार सरकार और महाराष्ट्र सरकार दोनों आमने सामने आई हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर जिस तरह से पुलिस को भेजा था, उनको क्वारंटीन कर दिया गया, कई चीज़ें सामने आई। तो क्या सरकार पे, महाराष्ट्र की सरकार पे कोई इस केस का असर पड़ेगा? देखिए, ये कहना कि महाराष्ट्र की सरकार पे इसका कोई असर पड़ेगा, गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। जब आप जिस लिए बात कर रहे हैं, ठाकरे जी के बेटे के लिए, आदित्य ठाकरे के लिए, वो उनका फ्रेंड हो सकते हैं, उसका एक अपोजिशन डेफिनेटली बेनिफिट ले सकता है। वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं या नहीं है वो एक सेपरेट क्वेश्चन है, बट क्योंकि इस समय टाइम केवल इसी इशू का नहीं है, और पब्लिक क्या है कि कुछ टाइम चीखेगी, उसके बाद दूसरा बड़ा मुद्दा आ जाता है, तीसरा बड़ा मुद्दा आ जाता है, एक मुद्दा साइडलाइन हो जाता है। जैसे जिस समय कोविड आया, वायरस का सीन आया, उस समय जब इंडिया के अंदर केवल 300-400 लोगों के ग्रसित होने की बात थी तो पूरा इंडिया लॉकडाउन हो गया। आज की डेट में जब 77,000 केसेस पर डे निकल रहे हैं और यूपी गवर्नमेंट से लेके हर जगह के गवर्नमेंट में मिनिस्टर से लेके एमएलए से लेके सब लोग कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं, तो सब कुछ अनलॉक की प्रक्रिया चालू हो रही है। मीडिया एक हाइप क्रिएट करता है कुछ टाइम के लिए, बट जब उससे बड़ा टॉपिक मिल जाता है तो ये इशू साइडलाइन हो जाते हैं। तो जो सुशांत का इशू है, जैसी रिया को जेल होगी उसके बाद साइडलाइन में हो जाएगा, और जो राजनीति के गलियारे में जो अगर ऊपर लोग पावर में बैठे हुए हैं उनको मूव कराना आसान काम नहीं है। टाइम 24 न्यूज़ से बात करने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। हाँ, तो ये थे हमारे साथ में महागुरु गौरव मित्तल जी, जिन्होंने साफ तौर पे कई ऐसी भविष्यवाणियां की हैं और कई ऐसी बातों को बताया है जिनका सवाल जो है लोग काफ़ी लंबे समय से खोजते हुए आ रहे थे, और काफ़ी मीडिया चैनल्स को भी देख रहे थे कि कहीं ना कहीं उनका सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन जो गुरुजी हैं उन्होंने अपने जो भविष्यवाणी है उससे कहीं ना कहीं उन सवालों का जवाब दिया है। भूपेश प्रताप सिंह, टाइम 24 न्यूज, गाजियाबाद। टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।